आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार भारत मां के महान सबूत थे। आरएसएस मुख्यालय की विजिटर बुक में जब प्रणब मुखर्जी ने यह वाक्य लिखा, ज्यादातर कांग्रेसियों की सांस हलक में अटक गई। और फिर जब प्रणब दा और मनमोहन यहां मोहन भागवत साथ हाथ हिलाते हुए बाहर आए तो आलोचकों की धड़कनें रुकते रुकते बची। राजनीति पर भारी देश नीति, नागपुर में दादा का दिखा दम, प्रणब ने कांग्रेस को आईना दिखाया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब कांग्रेसी नहीं हैं। ये बात कांग्रेसी नेता समझने को तैयार ही नहीं है। वो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, लिहाजा वो उस विचारधारा को मानने की बाध्यता बिल्कुल नहीं रखते जो कांग्रेस सोचती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते प्रणब मुखर्जी किसी भी संगठन के कार्यक्रम में जा सकते हैं। वो मोहन भागवत के साथ मंच साझा करें या डॉक्टर हेडगेवार की तारीफ, किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर मचा बवाल क्या कांग्रेस की घटिया मानसिकता का परिचायक था? अपने 26 मिनट के भाषण में प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस का सच से सामना करवाया। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जिन बातों को कांग्रेस उग्रवाद और सांप्रदायिक मानती थी, उन्हीं शब्दों में प्रणब दा ने आरएसएस के मंच से कांग्रेस का सोया हुआ राष्ट्रवाद जगा दिया। क्या प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी का जाना कांग्रेस को नागवार गुजर रहा था। कोई भी कांग्रेसी ये नहीं चाहता था कि प्रणब दा संघ के मंच पर भागवत के साथ बैठे। बेटी ने भी आरएसएस के बुलावे को नकारने की सलाह दी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने भी ट्वीट किया। अहमद पटेल ने लिखा कि मैंने प्रणब दा से ये उम्मीद नहीं की थी। सूत्रों का दावा है कि अहमद पटेल का ये ट्वीट कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर था, जो साफ साफ संकेत दे रहा था कि कांग्रेस आलाकमान प्रणब मुखर्जी के फैसले से किस कदर नाखुश है। लेकिन प्रणब दा ने सुनी तो सिर्फ अपने दिल की। प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में गए और भागवत के साथ मंच भी साझा किया और फिर राष्ट्रवाद को लेकर ऐसा भाषण दिया जिसने कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी। नेशन इज डिफाइंड एज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर स्टेट और एरिया। नेशनलिज्म is defined as identification with one's own nation and support for the interests, especially to the exclusion of interests of other states. Patriotism is defined as devotion to and vigorous support for one's own country. राष्ट्रवाद की वो बातें जिनको आरएसएस कई सालों से दोहरा रहा था, कांग्रेस को उसमें सांप्रदायिकता की बू आती थी। प्रणब दा ने उन्हीं बातों से राष्ट्रवाद का मतलब समझाया। सांस्कृतिक विरासत की सराहना के आधार पर संवैधानिक देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर जोर दिया। वो कई मायनों में आरएसएस की विचारधारा से मेल खाते हैं। कांग्रेस अब भी सीखने को तैयार नहीं। प्रणब दा के प्रवचन में भी कांग्रेस अपना अक्स देखने को तैयार ही नहीं है। श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। भागवत और प्रणब दा दोनों ने एकता में अनेकता की बात कही, दोनों ने संवाद की बात की, दोनों ने शांति और सामंजस्य की बात की। तो सवाल ये कि क्या प्रणब दा का विरोध कांग्रेस की छोटी मानसिकता का नतीजा था? क्या प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं हमारे साथ, सीपीआई के नेता, डीयू में प्रोफेसर हैं, टीवी डिबेट में सीपीआई का पक्ष रखते हैं, सीपीआई की राय रखते हैं। इसके साथ सुदेश वर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं, टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखते हैं।
अभय दुबे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, छात्र राजनीति से कांग्रेस में हैं, टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया प्रभारी हैं, दीनदयाल उपाध्याय पर किताब भी ये लिख चुके हैं। साथ ही शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में है, यूपी सीएम योगी की बायोग्राफी लिख चुके हैं, टीवी डिबेट में राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस खास कार्यक्रम में। तो आज का एजेंडा का पहला राउंड हम शुरू करते हैं और पहले राउंड में डिबेट में शामिल सभी मेहमानों को 30 सेकंड में अपना पक्ष रखना होगा। तो शुरू करते हैं डिबेट का पहला राउंड और पहली राय आप रखें सुदेश वर्मा कि आखिर प्रणब मुखर्जी ने कल जिस तरह से अपना संबोधन दिया इसमें उन्होंने किसे आईना दिखाने का काम किया। सुदेश वर्मा आपका 30 मिनट शुरू होता है। जो कहा उससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, बिना बात का बतंगड़ बना रही थी, बिना मतलब के प्रश्न चिन्ह उठाया उनके क्रेडेंशियल्स पर। प्रणब मुखर्जी जो हैं वो हैं और सबके सामने आए कल, उन्होंने जो कहा और आरएसएस के सरसंचालक जी ने जो कहा, मोहन भागवत जी ने, कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों ही पुराने सभ्यता की बात किए, दोनों ही नेशन को एंशियंट टर्म्स में डिफाइन किए, कल्चर के टर्म में डिफाइन किए। दोनों ही का मानना था कि राष्ट्र तब नहीं शुरू हुआ जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले से ही था। दोनों ने ही बात की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, आपका समय पूरा हुआ, आगे हम बहस में आपकी बात रखेंगे। अभय दुबे, किसी तरह का अंतर नहीं मालूम पड़ा मोहन भागवत के संबोधन में और प्रणब मुखर्जी के संबोधन में, आपका मिनट शुरू होता है। देखिए, देश को सच्चाई जाननी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के बारे में क्या विचार करता है, वो इस पुस्तक में लिखता है कि बौद्ध के अनुयायी ने इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि सिख समाज का कोई पृथक धर्म का अस्तित्व नहीं है, जैन का नहीं है, लिंगायत का नहीं है। अर्थात जो कल हुआ है वो बुनियादी रूप से प्रणव दा ने आईना दिखाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया है कि आपकी विचारधारा भारत। ठीक है। डॉक्टर गुलरेज शेख, आखिर आईना दिखाया किसे, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? प्रणव मुखर्जी ने जो अपना संबोधन दिया उसमें आईना उन्होंने किसे दिखाया? आपका समय शुरू होता है। देखिए, कल प्रणब दा ने कांग्रेस का जो असहिष्णु और कैरेक्टर असैसिनेशन का जो चरित्र है उस पर नागपुर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और कांग्रेस को वास्तव में देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त डॉक्टर हेडगेवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति महोदय भारत माता के महान सपूत कह रहे थे उस समय कांग्रेस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन ही नहीं कर रही थी, उन पर झूठा आक्षेप भी लगा रही थी कि उन्होंने आंदोलन का, गांधी जी के जो आंदोलन था उसका विरोध किया, जबकि तथ्य यह है कि वे एक वर्ष की सश्रम कारावास में। ठीक है, हम आगे आपसे फिर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, कांग्रेस और बीजेपी की बात छोड़िए, लेफ्ट की राजनीति की भी कुछ चर्चा हुई और उसकी भी दिशा यहां तय हुई, आपकी राय, 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं। देखिए, सीधी बात है कि चाहे वहां गांधी जी जाए चाहे प्रणब दा जाए, आरएसएस सांप्रदायिक है, थी और है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, प्रणब दा ने इनको बताया कि किस तरह से सिल्क रूट और मसाले का रूट था और उससे आदान प्रदान हुआ और किस तरह से हम विभिन्न भाषाओं विभिन्न धर्मों का देश है, जिसको ये सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदुस्तान गंगा गाय गायत्री कहते हैं, इनको सीखना चाहिए। दूसरी बात, हेडगेवार किसी भी कुछ भी कह ले, प्रणब दा, चलिए बहुत सारे नैरेटिव बदल रहे हैं लेकिन आप उसे समझने को और देखने तक को तैयार नहीं है। हम आपसे चर्चा आगे करेंगे। शांतनु गुप्ता, जो नैरेटिव बदला जा रहा है उसे लोग नकार क्यों रहे हैं, जो अभी आपने बातें सुनी, आप पहले अपनी राय दीजिए लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई राय। अजय जी, मेरे हिसाब से तो दोनों भाषण थे, मोहन भागवत जी का भाषण और पूर्व राष्ट्रपति का भाषण काफी कॉम्प्लीमेंट्री थे। अगर आप भागवत जी का भाषण देखें, उन्होंने कहा भाषा की विविधता है, पंथ की विविधता है और अपनी इस विविधता को पक्का रखते हुए दूसरे की विविधता का सम्मान करना, स्वागत करना। प्रणब दा ने कहा ये जो नेशन स्टेट है ये हम तो बहुत पहले से हैं, यूरोप की थ्योरी तो बहुत बाद में आई लेकिन बात कॉमन है कि नेशन फर्स्ट, ये दोनों ने एक तरह से अपने अपने शब्दों में कहा, जो इनको खासकर वामपंथी इतिहासकारों को और वामपंथी जो आपके चैनल बैठे उनको बिल्कुल नहीं गुजारेगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी और सबने अपनी बात 30 सेकंड में रख दी है लेकिन अब बहस का राउंड शुरू होता है। करेंगे इस बात पर, क्या प्रणब का विरोध
प्रणब दा का विरोध कांग्रेस की छोटी मानसिकता थी, ये बड़ा सवाल है। अभय दुबे, सबसे पहले आपसे सवाल, जिस तरीके से विरोध किया गया प्रणब मुखर्जी के यहां आने का, और मोहन भागवत ने जो संबोधन दिया, प्रणब मुखर्जी ने जो संबोधन दिया, उसमें साफ बात थी कि मिल बैठकर बात करना, संवाद करना लोकतंत्र की अहमियत है, उसकी खूबसूरती है। आपने सबसे पहले उसी पर चोट की, जिस तरीके से उनके वहां जाने और संबोधन का विरोध किया गया कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, क्या यह सबसे पुरानी पार्टी का वैचारिक दिवालियापन है? ये देखिए, हमने आग्रह ये किया था अप्रत्यक्ष रूप से कि संवाद उन्मादियों के साथ नहीं संभव हो सकता, और वो हुआ भी। प्रणव दा के आमंत्रण का जो षड्यंत्र था, उनके पहुंचने के पहले प्रारंभ हो गया। ये कहा जाने लगा कि उनकी बेटी को वहां वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़ाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। आज भी मॉब तस्वीरें इन संगठनों की तरफ से डाली गई है। वो आगाह करने का हमारा नैतिक दायित्व था, क्योंकि हमारे मूर्धन्य और बड़े नेता समूचा जीवन उन्होंने तिरंगे पर समर्पित किया, तो ये हमारा दायित्व। आपने अपनी बात जो शुरू की, आपने अभी कहा सांप्रदायिक लोग, अभी भी आप उसी धरने पर चल रहे हैं। आप देखिए, वहां अपने संबोधन से पहले डॉक्टर हेडगेवार की जन्मस्थली गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण किया उन्होंने, गुलवर्कर को भी वहां पर उन्होंने फूल चढ़ाए, और आप कह रहे हैं उस संगठन को लेकर आपत्तिजनक बातें। 10 सेकंड दीजिए जी, देखिए, एक 10 सेकंड दीजिए। हेगड़ेवार जी जब ये किसी सज्जन ने जिक्र किया जेल गए थे, तो वो अनुशीलन समिति कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते हुए आजादी के आंदोलन में वो, अरे अभी की बात कर रहे हैं, अभय दुबे, अभी की बात की जा रही है। अभी प्रणब मुखर्जी जब पहुंचे तो सबसे, और क्या कहा उन्होंने, अब क्या कहा मोहन भागवत साहब ने कहा कि भारत, सुन लीजिए, मोहन भागवत साहब ने कहा कि भारत में जो पैदा हुआ वो हमारा है, और प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, जो वेस्टफेलिया ट्रीटी की बात की यूरोपियन स्टेट की। अरे वसुधैव कुटुंबकम का नारा आरएसएस का भी है, आप कहां हैं, हमारे चैनल का भी नारा है वसुधैव कुटुंबकम का, ये बातें कहते सभी हैं, उसको फॉलो कितना करते हैं, इसी पर तो सवाल था कि क्या प्रणव का विरोध कांग्रेस की छोटी मानसिकता थी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से बिल्कुल अलग है, विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति। अरे आप अगर ये समझते पहले तो इस तरह का विरोध नहीं करते ना, अहमद पटेल का ट्वीट, इससे पहले राशिद अली का बयान, तमाम कांग्रेसी नेता जिस तरीके से पीछे पड़े हुए थे कि प्रणब मुखर्जी वहां क्यों जा रहे हैं, इसके बाद जब उनका संबोधन हुआ तो तुरंत में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा ली, आमंत्रण में आप झेप मिटाने लगे। बात हमारा दायित्व है कि हम बताएं हमारे शीर्षस्थ नेता को, क्यों नहीं बताएंगे, हमारा दायित्व है। अगर उनका इंटेंशन मेला फाइट था, वो आमंत्रण से सुदेश वर्मा क्या ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता थी, उसका वैचारिक दिवालियापन था, जिसको अब को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, उसको उसकी मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप सुरजेवाला की, उसमें उसे वो सुधारने की कोशिश करते नजर आए, क्या वो सुधरेगा भी? ये बहुत झेप में है, बोलते हैं ना खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे, बहुत झेपे हुए हैं ये लोग, इसलिए जोर जोर से बोल रहे हैं। आरएसएस का प्रवक्ता तो ना बने, आप कांग्रेस के बारे में बताएं कांग्रेस क्या है, आप ये बताइए इतना इंटॉलरेंट क्यों है? हम लोग तो भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, डायलॉग में भरोसा रखते हैं। हमने कब बोला हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू जब हम बोलते हैं तो हिंदू का मतलब क्या होता है, वो भी मोहन भागवत जी ने बताया, जिसका कल्चरल रूट्स यहाँ पर है, जो इसी कल्चर से पैदा हुआ है, वो कैसे बात कर सकता है कि सारे बुद्ध परस्तियों को मार दो, बुद्ध परस्ती को खत्म कर दो, ये भारत का कल्चर नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत का संस्कृति है टॉलरेंस, भारत का संस्कृति है सबको एक्सेप्ट करना, माई आइडिया ऑफ इंडिया जो बताया था मोदी जी ने 2014 जनवरी में, वही भारत की संस्कृति है, पढ़ लीजिए आप, आपको नहीं पता है तो आप स्वीकारते ही। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल साफ बताया चरित्र निर्माण कैसे होता है कि आपकी और भारतवर्ष मजबूत कैसे होगा, जब तक सत्ता, ये सारे पंथ जो हैं
यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तहत एसिमिलेट हो जाते हैं भारत की संस्कृति में। अबे आपको पूरा वक्त मिला लेकिन कारण ये है शिफ्ट आपकी बातों में नजर नहीं आया। सुन लीजिए, सुनेंगे भी नहीं तो आपके अंदर का कूड़ा कैसे खत्म होगा? विचार बदल जाएंगे आपके अंदर का कूड़ा कैसे जाएगा? इस तरह कुछ जोड़ना चाह रहे हैं गुलेर शेख। सुन तो लीजिए भाई, गुलेर शेख, आखिर कांग्रेस ने जिस तरह का अपना परिचय दिया है इस पूरे मुद्दे पर, उस पर आपकी राय। देखिए, प्रणब मुखर्जी ने संवाद स्थापित किया और संवाद वास्तव में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और प्रणब मुखर्जी मूलतः भारतीय संस्कृति में रचे बसे व्यक्ति है और ये जो संवाद की संस्कृति थी वो कांग्रेस में भी राजीव गांधी तक रही, परंतु जब से ये जो फॉरेन ब्लड आया है उसमें विखंडता प्रधान जो संस्कृति है वेस्ट की वो वहां पर प्रधान हो गई और राज और सोनिया और राहुल के दौर में ये संवाद का अबोला हो गया। और आप एक बात और देखिए इसमें कि यहाँ केवल प्रणब मुखर्जी को केवल रोका ही नहीं गया, उनको ब्लैकमेल भी किया गया क्योंकि उनकी बिटिया जो है वो कांग्रेस की बड़ी नेता है तो उनके नाम पर उनको ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया गया कि आपकी बेटी का फ्यूचर खराब होगा कांग्रेस की राजनीति में, ये इनडायरेक्ट वे में कहा गया। परंतु मैं सलाम करता हूँ इस राष्ट्रपति। ठीक है, पहले जो हुआ शांतनु गुप्ता, आपको लगता है आपने सीपीआई को भी सुना, इधर कांग्रेस को आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रणदीप सुरजेवाला ने जो कुछ भी कहा वो एक पेंट करने की बात थी, पहले जो कांग्रेस का रुख था उस पर झेप मिटाने भर की बात थी, कोई बदलाव अभी भी नजर नहीं आता, चाहे वो मोहन भागवत का बयान हो चाहे वो प्रणब मुखर्जी का बयान हो, कोई सीख लेती हुई कांग्रेस या सीपीआई नजर नहीं आती। अजीत जी, मुझे लगता है मोहन भागवत का भाषण तो इन लोगों ने सुना ही नहीं, क्योंकि भाषण में जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी, तारतम्य था, भाषा का शैली अलग हो सकती है। जो मूल बात है, देखिए, जब इंदिरा गांधी ने वामपंथी दलों से सपोर्ट लिया तो पूरी अकेडमियां उनके हाथ में दे दी कि ज्ञान आप करेंगे देश में, शासन हम करेंगे, और वामपंथियों ने क्या करा, भारत को एक जातिवादी लुटापिटा गरीब कुरूतियों वाला देश साबित कर दिया हमारी किताबों में। लेकिन कल उसको फिर पुनर्स्थापित किया एक लेखक है क्रिस्टोफर जेफलेट, जिनको सारे वामपंथी बिल्कुल बाइबल की तरह कोट करते हैं, आप दिनेश वासनी से पूछते हैं उनकी पूजा करते होंगे, वो कहते हैं कि भारत में कुछ स्वर्णिम काल था ही नहीं, सब काल्पनिक बात है। कल प्रणब मुखर्जी ने कहा तक्षिणा, नालंदा, अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, सबको फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये जो 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 इतिहास की जो जेएनयू में पढ़ाया जाता है उसका उल्टा इतिहास जो बोला, जो सही इतिहास है जो बोला, उससे मुझे लगता है ये। कल एक बात और अच्छी थी अजीत जी, कल सामने की अतिथि पंक्ति में व्यक्ति बैठे थे राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा ने किताब लिखी है ब्रेकिंग इंडिया, वैसा व्यक्ति बैठा था और उस किताब को पढ़ना तो दूर, उसको देख भी नहीं सकते वामपंथी, जहां पर उन्होंने वेंडी डोनेगर, पॉलक, मार्था नुस्बाम, जो इनके सबके बड़े बड़े आइडल हैं, उनकी उन्होंने बखिया उधेड़ी अपनी किताब में, वो भी सामने बैठे थे। और बड़ा राष्ट्रवादी घेरा था सीपीआई का, वो बिल्कुल वो नहीं समझ रही है कि वो चीजें बदल रही है वक्त के साथ, क्या उन्हें बदलना पड़ेगा, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, डॉक्टर गीता भट्ट, आरएसएस की विचारक हैं, इनका व्यू हम लेते हैं और इसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर गीता भट्ट, स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। हम चर्चा कर रहे हैं कल प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह से अपना संबोधन दिया, आपको क्या लगता है मोहन भागवत के संबोधन में और प्रणब मुखर्जी के संबोधन में क्या कुछ था, किसके लिए सीख थी? देखिए, कल के कार्यक्रम में प्रणब दा ने और भागवत जी ने जिस प्रकार से अपने विचार वहाँ रखे उसमें कई सारी समानताएं थी। लगभग दोनों का ही भाषण सिर्फ उन्होंने अपने अपने माध्यम और अपने अपने विचारों में प्रकट किया, लेकिन अगर आप उसका तथ्य देखें या मूल देखें तो एक ही बातें थे जिनमें तीन चीज़ों पर, अगर हम मोटा मोटी देखें तो तीन चीज़ें बिल्कुल जिन पर जोर दिया गया। वो सबसे पहला तो ये, जो जैसा कि अभी विषय चर्चा हो ही रही थी, कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति जो पिछले 5,000 सालों की संस्कृति, और ना कि वो संस्कृति जो ये माना जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद की जो संस्कृति, जिसको कि जिसे कि वामपंथी जो हमारा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समाज है उन्होंने जिसे जिस तरह से बताया। और दूसरी बात ये है कि एक जो राष्ट्रीयता है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता जिस पर कि जिसे संघ ने हमेशा जिस बात पर जोर दिया है, उसी की एक तरह से पुष्टि प्रणब दा ने भी अपने भाषण में कही, जब उन्होंने ये कहा कि जो यूरोप में जो राष्ट्रीयता को जिस तरह से राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है उसे उन्होंने एक सिरे से पुनर्स्थापित किया है, जिसे कहेंगे डेविएट कर दिया गया था इससे पहले। जो कुछ भी कहा प्रणब मुखर्जी ने और मोहन भागवत ने, अगर इसमें हम साम्यता देखते हैं, साम्यता की बात अगर देखते हैं, खोजते हैं, तो इसका मतलब ये भी है के मोहन भागवत ने जो संबोधन दिया उसमें भी क्या आप थोड़ा सा शिफ्ट देखती हैं, थोड़ा सॉफ्टनेस देखती हैं?
देखिए भागवत जी ने जो अपना उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने जो बातें कही वो बातें हम उन्होंने क्या बात की, उन्होंने एक संयुक्त समाज की बात की कि हमें संयुक्त समाज को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने क्या किस बात को सामने रखा कि इस देश में जन्मा जो भी इंसान हो, किसी भी पंथ का हो, वो जो वो किसी भी जाति का हो, लेकिन वो भारतीय है। भारतीय होने की क्या परिभाषा है? तो उन्होंने जिन बातों को सामने रखा उनमें आप देखें कि उन्होंने किस चीज़ की बात की। उन्होंने सांस्कृतिक एकता की बात करी, उन्होंने विविधता में एकता की बात करी, और उन्होंने जितनी भी बातें उन्होंने सम्मुख रखी उन सभी का जो एक मूल तथ्य निकल के आता था कि उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, नेशन फर्स्ट की बात करी। और वही बात हमको प्रणब दा के भाषण में भी देखने को मिली। तो दोनों के भाषण को, जैसे मैं पहले भी विषय को कह रही थी कि विविधता में एकता की बात को उस पर दोनों ने ही बहुत जोर दिया। गीता जी, लेकिन मतलब ये जो मेरे पूछने का ये मतलब था कि हिंदू पर जो ज्यादा जोर होता था, फोकस होता था, उसकी जगह भारत पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये क्या नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, या वोकैबुलरी चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है?